ये हमारा पतला आइब्रो है, आज मैं बताने जा रही हूँ पतले आइब्रो में शेप कैसे करें। तो इसे पकड़ो, इसको क्या करना है, बस नीचे के बाल, बीच सबसे आगे से बाल नहीं निकलना है, बीच से निकलना है, बस हल्के हल्के बाल निकलना है, एक से दो बाल, ताकि कस्टमर को दर्द ना हो। और ये देखो, एक एक दो दो बाल फुटाएंगे और निकालते जाएंगे। ये नीचे का हमारा सेप हो गया, बाकी बचे एक्स्ट्रा बाल उसको मैं निकाल के फिनिशिंग कर देती हूँ। ये हमारा नीचे का सेप हो गया, उसके बाद मैं ऊपर का सेप करूँगा। ये बीच से बाल थोड़े से ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर हम ज़्यादा बाल निकालते हैं तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, गैप ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से हल्के हल्के बाल निकालना है, बस सेट कर देना है। ये हल्का हल्का बाल निकाल के बस आइब्रो को सेट कर देना है। ये आइब्रो का हमारा सेप हो गया है, बाकी फोरहेड करना है, तो ये ऊपर वाले बाल को धीरे धीरे निकाल देना है। ये ऐसे ये फोरहेड में अच्छे से बाल निकाल दूंगी। इधर कस्टमर का दाया आइब्रो आगे से बनाती हूँ और बाया आइब्रो मैं पीछे से बनाऊंगी। इसे भी आगे से बाल नहीं निकालना है, आगे से छोड़ के बीच से ही बाल निकालना है, बस हल्की हल्की, ताकि आइब्रो का शेप मोटा हो, क्योंकि आइब्रो जो है ऑलरेडी पतला है, तो इसे मैं एक एक दो दो बाल ही निकालूंगी। ये हमारा नीचे का आइब्रो सेट हो गया। ये बाल हल्के हल्के निकाल के इसे मैं आइब्रो सेट कर दूंगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा बन गया है कस्टमर का, उसके बाद इसे बाल जो एक्स्ट्रा है झाड़ दो, और झाड़ने के बाद ये टोनर लगा दो। टोनर क्या काम करते हैं, स्किन में दाना नहीं होने देते हैं और स्किन को टोन देते हैं। थैंक यू।